इंटरनेशनल पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने रचा इतिहास। बहुजन बेटे ने दुनिया में चमकाया भारत का नाम। ये तस्वीरें जुनून की हैं, ये तस्वीरें उस जिद की हैं जिसके सामने हर मुश्किल हार जाती है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने की हैं, ये तस्वीरें फक्र की हैं। नॉर्दर्न आइलैंड से आई इन तस्वीरों में पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने कमाल कर दिया है। बहुजन समाज के बेटे सतेंद्र सिंह लोहिया ने उत्तरी आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। नॉर्थ चैनल 36 किलोमीटर लंबा है और उसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद ठंडे पानी की लहरों को चीरते हुए सतेंद्र ने यह कारनामा कर दिखाया। सतेंद्र ने 14 घंटे 39 मिनट में नॉर्थ चैनल को पार कर लिया। नॉर्थ चैनल को दुनिया का सबसे ठंडा चैनल भी माना जाता है, लेकिन अपनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद सतेंद्र सिंह ने यह इतिहास रच दिया। सतेंद्र ने जो कारनामा कर दिखाया है उससे अभी तक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में किसी ने नहीं किया। सतेंद्र और उनकी टीम ठंडे नॉर्थ चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली टीम है। 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को पार कर सतेंद्र ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। एमपी के भिंड निवासी सतेंद्र सिंह लोहिया का शरीर 36% विकलांग है। वो अपने पैरों पर बमुश्किल ही चल पाते हैं, लेकिन गांव के पास वेसली नदी में जो बच्चा कभी तैर लिया करता था आज वो दुनिया के बड़े बड़े चैनलों को फतेह कर रहा है। 2009 में कलकत्ता में राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में पहली बार सतेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस जीत ने उन्हें इतना मोटिवेट किया कि वो राष्ट्रीय पैरालंपिक में एक के बाद एक 24 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सतेंद्र ने जून 2018 को अपनी पैरा रिले टीम के माध्यम से 36 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। उन्होंने कैटलिन अमेरिका चैनलों को अगस्त 2019 में पार कर लिया था। सतेंद्र को उनकी सफलता के लिए तमाम अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्हें भारत सरकार और एमपी सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हम सतेंद्र को इस उपलब्धि पर बधाई देते हैं। आप भी कमेंट में उनके लिए बधाई संदेश लिख सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।